हम मैदान में दौड़ रहे हैं तो कदम कदम पर हमको ठोकरों से दोचार होना पड़ेगा। उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उससे हमें उकताना नहीं चाहिए। मर्द बनकर उन तमाम जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए और उन परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। आज अगर आसमानों की बुलंदी से एक फरिश्ता दिल्ली के कुतुब मीनार पर उतर कर ये ऐलान करे कि हिंदुस्तान को अभी आज़ादी मिल सकती है बशर्ते कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को छोड़ दे, तो यकीनन मैं उसे रद्द कर दूंगा और इत्तेहाद की तबलीग करता रहूंगा। अगर आज़ादी मिलने में ताखिर हुई तो सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान होगा, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जाता रहा तो ये पूरी इंसानियत का नुकसान होगा। मैं मुसलमान हूँ और मुझे हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। मैं हिंदुस्तान के नाकाबिले तस्खीर इत्तेहाद का एक हिस्सा हूँ। हमें एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि हर शख्स को बुनियादी तालीम उसका पैदायशी हक है, क्योंकि इसके बगैर वो अच्छे शहरी की जिम्मेदारियाँ उठाने से कासिर होगा। वो तालीम जो दिल से दी जाए वो समाज में इनकलाब ला सकती है। जबान से दी गई तालीम की अपनी अहमियत है, लेकिन अच्छे आमाल ता हयात बेहतरी पैदा करते हैं।